हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है सत्यम और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 की NCERT गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3 का पहला समझाऊंगा। देखिए, तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने HCF और LCM ज्ञात करने के बाद हम लोगों ने उसकी जांच भी की थी। इसमें सिर्फ HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पहला वाला क्वेश्चन का निकाल लेते हैं। तो पहले चलिए 12 का LCM निकालते हैं। 2 × 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। अब चलिए 15 का निकाल लेते हैं। 3 × 5 = 15, इसका 1 का भी कर देते हैं। ठीक, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा कि मैंने 1 का क्यों किया। 5 × 1 = 5, चलिए 21 का करते हैं। अब 7 × 3 = 21, 3 × 1 = 3। अब देखिए 12 का क्या आया गुणनखंड, 2 × 2 × 3 × 1, इसका भी 1 से कर देते हैं। देखिए 15 का क्या आया, 3 × 5 × 1, 21 का क्या आया, 7 × 3 × 1 आया। तो 1 को कॉमन कर लिए, 1 कॉमन हो गया और इसमें 3 कॉमन हो गया। जो कॉमन होता है वो HCF होता है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने समझाए। तो 3 × 1 = 3 × 3 HCF हो गया। और LCM क्या हो गया हमारा, देखिए जो कॉमन होता है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। जैसे कि 3 कॉमन है तो सिर्फ इसको 3 को एक बार लिखेंगे। अब फिर ये 2 को 2 बार लिख देते हैं, 2 × 2 × 5, ये 7 और ये 1 भी लिख देते हैं, 1 क्योंकि कॉमन है, जो कॉमन रहता है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 17, 23 और 29। तो चलिए 17 का पहले निकाल लेते हैं। 17 × 17, 1 × 1 = 1, 23, 23 × 23, 1 × 1 = 1, 29 × 29, 1 × 1 = 1। देखिए 17 का क्या आया हमारा गुणनखंड, 17 × 1, 23 का क्या आया, 23 × 1, 29 का आया 29 × 1। देखिए मैंने आप लोग को इसलिए 1 का निकालने के लिए कहा था क्योंकि देखिए इधर तो ये सब करते रहे तो कॉमन नहीं होता, लेकिन 1 तो कॉमन है तो HCF हमारा इससे ज्ञात हो जाता है। HCF बराबर 1 और LCM बराबर 17 × 23 × 29 × 1 × 1 × 1। तो इन सबको इंटू करने पर हमारा आ जाता है 11,339। इसमें 8, 9, 9 और 25 का निकालना है। तो चलिए 8 का निकाल लेते हैं। 2 × 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 और 1 का भी निकाल लेते हैं, 1 × 1 = 1। अब 9 का, 3 × 9, 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1। अब 25 का, 5 × 25, 5 × 5, 1 × 1 = 1। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 8 का हमारा क्या गुणनखंड आया था, 8 का गुणनखंड हमारा आया था 2 ×
2 × 2 × 1, ये हमारा 8 का गुणनखंड आया था। और 9 का गुणनखंड हमारा क्या आया था, 3 × 3 × 1। और 25 का गुणनखंड क्या आया था, 5 × 5 × 1। देखिए इसमें एक कॉमन है सिर्फ, तो हमारा HCF हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 और 1 जो कॉमन था वो एक बार सिर्फ निकलता है, 3 × 3 × 5 × 5। इन सबको गुणा करने पर आ जाता है हमारा 1800। HCF हो गया हमारा 1 और LCM हो गया 1800। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों में और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।